कल दिल्ली में मंगोलपुरी में अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में खूब हंगामा हुआ और हंगामे की वजह रही राखी बिड़लान। राखी के घर वालों पर पिटाई करने का आरोप लगा है। आरोप है कि चुनाव में लगवाए गए टेंट और खाना बनाने वाले हलवाई ने जब राखी के घर वालों से पैसे की मांग की तो पैसे तो नहीं ही दिए गए, उल्टे उनकी पिटाई भी की गई। पीड़ित हलवाई और टेंट वाले ने राखी के पिता और भाई का स्टिंग करने का दावा किया है। स्टिंग में राखी के भाई और पिता पैसे देने से मना करते दिख रहे हैं। तो विवाद का असर कल केजरीवाल के प्रचार अभियान पर भी पड़ा। मंगोलपुरी पहुंचते ही लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। राखी बिड़लान कृष्णा तीरथ के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रही हैं। राखी बिड़लान का पक्ष नहीं आया है अभी तक। तो घर वालों पर मारपीट का आरोप लगा है राखी बिड़लान के। विवादों में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिड़लान। नॉर्थ वेस्ट सीट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कृष्णा तीरथ के खिलाफ वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। टेंट वाले और हलवाई ने आरोप लगाए हैं पैसे ना देने का, पिटाई करने का। राखी के पिता और भाई पर ही आरोप लगाया है जिन्होंने टेंट वाले और हलवाई के पैसे ना देने पर उनकी पिटाई तक कर दी। और इस विरोध का असर अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भी दिखा। अरविंद केजरीवाल जब प्रचार के लिए मैदान में उतरे तो उनके खिलाफ नारेबाजी की गई।